यहाँ पर रैली में हमारे आए हुए सभी बुजुर्ग नौजवानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। क्या बात है भैया, इतना एक नंबर आंधी तूफान आने के बाद भी जहाँ आसमान में हम लोगों ने बिजली चमकते हुए देखा, सही बात है, एक नंबर लगातार बारिश हो रही है, ऐसा ही है, उसके बावजूद भी कोई हटा नहीं, न कोई गया। मैं एक एक मालेगांव के और अपने तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जब मैं आपके बीच में आया हूँ तो आंधी तूफान भी साथ ही साथ आ गया, और मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं कि आंधी तूफान ये हम लोगों को रोकने के लिए आया था कि आप लोगों के आने की वजह से ही आंधी तूफान आ गया। आज जब चुनाव का तारीख आ गई है, घोषणा हो गई है तारीख की, जब और दल इसकी तैयारी कर रहे हैं कि कौन कहां से प्रत्याशी होगा, उस समय समाजवादी पार्टी जनता के बीच में आकर के अपने प्रत्याशी के लिए आपसे सहयोग मांगने आ रहे हैं। जहां अभी देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश हो चुकी है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की जब से लोकसभा में उनकी हार हुई है, न केवल उनके अंदर हताशा है, निराशा भी है, इसीलिए वो चुनाव में हर हथियंडा अपनाने जा रहे हैं। आपने हमने देखा कि हरियाणा का जो चुनाव पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, हारने वाली भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जीत गई। इसलिए हम अपने महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां हमें सावधान रहना है, वहीं हम लोगों को तैयारी भी रखनी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीमा तक जा सकती है इंडिया गठबंधन और हमारे यहाँ के गठबंधन को हराने के लिए। जहां तक गठबंधन की बात है, मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया और भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने का काम किया। जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, उन्हें दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ा। यहां पर जो सरकार चल रही है, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, महायुति की सरकार, ये कोई सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। महायुति सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसको हथिया करके चलाने का काम कर रहे सरकार, ये जनता की चुनी हुई नहीं सरकार है, ये हथियाई हुई सरकार है। और जब से महायुति सरकार बनी है, इसने जनता को महादुखी करने का काम किया है। न केवल महादुखी किया है बल्कि सरकार में महाभ्रष्टाचार भी बढ़ा है। जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, महाराष्ट्र के लोग इनको हरा दो, महायुति हारेगी, यहां पर इनका गठबंधन हारेगा और चलने वाली दिल्ली की सरकार भी चलेगी नहीं, वो सरकार भी गिर जाएगी, वो चलने वाली नहीं है। इसलिए जहां देश का महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, ये महाराष्ट्र वो है जो लोगों को नौकरी देता था, लोगों को रोजगार देता था, आज महाराष्ट्र से ही कारखाने उद्योग छीने जा रहे हैं और यहां भी बेरोजगारी नौकरी के लिए भटक रहे लोग, और जो कारोबार उद्योग चल भी रहा था वो आज चल नहीं पा रहा है, बंद हो रहा है।
मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारे हमारे बुनकर भाई हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनकी अगर मदद हुई होती तो आज जो लोग इतना दूर चल करके आए इनके घर परिवार में खुशहाली आ जाती। लेकिन इन्होंने बुनकरों को बर्बाद करने का काम किया है। मैं अपने तमाम बुनकर भाइयों को कहना चाहता हूँ, जब भी समाजवादी लोग सरकार में आएंगे, दिल्ली में तो आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जब ताकत मिल जाएगी तो विधानसभा में अबू आसिम आजमी और आपके विधायक आपके लिए लड़ करके आपको न्याय के साथ साथ आपके घर परिवार में खुशहाली लाने का काम करेंगे। आपके बीच आने से पहले बहुत सारे संगठन मुझे मिले हैं, बहुत सारे आपके बीच के बुद्धिजीवी, आपके बीच में कई संगठन चलाने वाले लोग मुझे मिले हैं। उन्होंने न केवल अपने बुनकर भाइयों की आवाज को हम तक पहुंचाने का काम किया, वही जिस तरीके से मॉब लिंचिंग से लेकर के हमारे आपके धार्मिक और उन पर समय समय पर जो सवाल खड़े करते हैं, इन भाषणों से हमारे आपके लोगों को अपमानित करते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में जब कभी भी आवाज उठाने का मौका मिलेगा ऐसे सख्त कानून बनेंगे कि कोई मॉब लिंचिंग की तरफ या किसी के भगवान के या धर्म के खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। एक तरफ ये तमाम सवाल है, वही समाज को बांटने के लिए इन्होंने जो वक्फ को लेकर के एक देश में टच गिरने का काम किया है। जिस समय लोकसभा में बिल पेश हुआ था, हम लोगों ने उस समय भी आवाज उठाई थी और कहा था कि ये वक्फ का बिल जो आ रहा है, ये खासकर मुसलमान भाइयों को परेशान करने के लिए, उनके जमीनों को छीनने के लिए आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जमीनी पार्टी बनकर के जमीनें छीनना चाहती है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जो बिल जमीन और सम्मान और आपके खिलाफ आया उसकी भी हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर करके उसके खिलाफ खड़ा होने का काम करेंगे। मैं इस मौके पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ बारिश रुक नहीं रही है, बादल और बिजली चमक रही है, अभी भी बादलों से आवाज सुनने को मिल रही है। आपकी आवाज से बादलों में आवाज मिल रही है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी और हम लोग आपके बीच में आकर के दोबारा वोट मांगने का काम करेंगे। आज तो केवल बारिश आई है, लेकिन मैं जानता हूं जब वोट पड़ेगा तो हमारे गांव के लोग, हमारे अपने लोग एक एक वोट की बारिश कर करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ये बारिश हमें भरोसा दिला रही है कि जब वोट पड़े तो बारिश की तरह वोट पड़ेगा, जैसे बूंद गिरी है वैसे ही वोट भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो बारिश में खड़े हैं लोग, मैं इतनी एक कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया जहां हमारी सब व्यवस्था खराब हो गई उसके बाद भी आप लोग मौजूद हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शायद ही हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी चाइन हिंद जी का धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ मंच पे रईस शेख साहब हैं, रियाज साहब हैं और जो हमारे और साथी हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके लिए समाजवादी पार्टी की टिकट देने का भी फैसला लेता हूं। अबू आसिम आजमी ने जो सिफारिश की है हमारे रईस शेख साहब की, उनके साथ ये हमारे दूसरे साथी हैं, रियाज आजमी जी भिवंडी बेस के हैं, हमारे रईस शेख तो पहले से ही विधायक हैं भिवंडी ईस्ट की, और शाइनी हिंद जो आपके बीच के हैं, इनके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के शब्दों के साथ आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जैसा उत्तर प्रदेश ने कमाल किया है,
सबने मिलकर के बीजेपी का मुकाबला किया और ऐसी हार कभी बीजेपी ने सोची नहीं थी जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें हराने का काम किया है। मैं जानता हूं जनता खिलाफ है उनकी बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ है, जो उनकी एनकाउंटर की राजनीति उसके खिलाफ जनता है। और न केवल ये काम इसलिए किए जा रहे हैं कि आज जनता महंगाई का सवाल न पूछे, आज जनता बेरोजगारी का सवाल न पूछे और इसीलिए ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है महाराष्ट्र की जनता भी नफरत की राजनीति को खत्म करेगी और ये जो नेगेटिव नैरेटिव की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो उसको खत्म करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि बुनकर भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अभी बिजली में सब्सिडी मिल रही है, अगर इससे भी ज्यादा बिजली की सुविधाएं देने का काम होगा और अगर उत्तर प्रदेश की तरह जो उत्तर प्रदेश में सुविधा मिलती बुनकरों की, अगर वो सुविधाएं मिल जाएंगी तो हमारा बुनकर भी खुशहाल हो जाएगा। उस दिशा में हम लोग काम कर करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।